सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने मेडिकल की पढ़ाई में 5% रिजर्वेशन देने की घोषणा कर दी है। जो सरकारी स्कूल में 6वीं से 12वीं कक्षा तक पढ़ेगा उसे 5% रिजर्वेशन मिलेगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इसे सरकार का ऐतिहासिक फैसला बताया और कहा कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मेडिकल की पढ़ाई में 5% उन बच्चों को प्रवेश देने का निर्णय लिया है जो बच्चे कक्षा 6वीं से 12वीं तक की पढ़ाई सरकारी स्कूलों में पास करेंगे। ये वे सरकारी स्कूलों के बच्चे होंगे जिनकी इस मुकाम तक पहुंचने की क्षमता है। सरकार का यह निर्णय एक ऐतिहासिक निर्णय है। मैं इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारा उद्देश्य सरकारी स्कूल की शिक्षा को बढ़ावा देना है। हमने सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के टैलेंट को पहचान कर यह निर्णय लिया है। हम जो वादा करते हैं उसे पूरा करते हैं। आश्वासन देकर मुकरना हमारा काम नहीं है कि मेडिकल की पढ़ाई में 5% उन बच्चों को रिजर्वेशन देना जो सरकारी स्कूल में पढ़कर के योग्य बनकर के इस स्थान पर पहुंचने की जिनकी क्षमताएं हैं, ऐसे विद्यार्थियों को जो 5% सीटों का आरक्षण मेडिकल की पढ़ाई में दिया है, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारी सरकार का बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये एक ऐतिहासिक निर्णय इसलिए है कि सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करने का उद्देश्य तो है ही, लेकिन जो सामान्य विद्यार्थी होता है, सामान्य स्रोतों पर पढ़ाई करने वाले जो विद्यार्थी होते हैं वो सरकारी स्कूल में पढ़ कर के निकलते हैं तो उनका जो टैलेंट है उस टैलेंट का सम्मान करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस दिशा में जो व्यापक कदम उठाया और जो कहा उसको इम्प्लीमेंट करने का काम हमारी सरकार ने किया है। बीडी शर्मा ने कहा कि भारत केंद्रित शिक्षा नीति बनाने का काम यदि सफल हो पाया है तो वो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से सफल हो पाया है। नई शिक्षा नीति के तहत ही मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी माध्यम से कराने का फैसला लिया गया है। इस फैसले को सबसे पहले इंप्लीमेंट किया है मध्य प्रदेश सरकार ने, जो काफी गर्व की बात है। सरकार ने इसके लिए शिक्षकों की ट्रेनिंग की भी व्यवस्था की है। वीडी शर्मा ने कहा कि इन सभी निर्णयों के लिए मैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी टीम को बधाई देना चाहता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने नई शिक्षा नीति के अंदर जो उठाया उसको सबसे पहले इम्प्लीमेंट करने का काम कि मेडिकल की पढ़ाई हिंदी माध्यम से मध्य प्रदेश के अंदर होगी, उसका पाठ्यक्रम तैयार करना, पाठ्यक्रम तैयार करके हमारे वो प्राध्यापक इस दिशा में प्रेरित हों और उनका भी ट्रेनिंग होकर के तैयारी हो। मुझे गर्व है इस बात का कि नई शिक्षा नीति के इम्प्लीमेंटेशन करने वाला पहला राज्य और उसके अंतर्गत मेडिकल की पढ़ाई को हिंदी में करने का भी अगर किसी को पहला राज्य बनने का अधिकार मिला तो मध्य प्रदेश की हमारी सरकार को। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रुपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।